लेबनान में 17 सितंबर को हजारों पेजर ब्लास्ट हुए तो अगले ही दिन 18 सितंबर को अचानक वॉकी टॉकी में धमाके होने लगे। ये दोनों ही डिवाइस हिजबुल्ला के कम्युनिकेशन नेटवर्क की लाइफलाइन मानी जाती हैं। माना जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्ला के कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये तबाही मचाई है। भले ही इजराइल ने सीधे तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी ना ली हो, लेकिन उसके शीर्ष अधिकारियों की ओर से आए बयान इशारा करते हैं कि ये किसी और का काम नहीं है बल्कि इजराइल का ही काम है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि युद्ध के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। गैलेंट ने लेबनान में हुए धमाकों का जिक्र किए बिना ही इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों के काम की सराहना की है और कहा है कि परिणाम बहुत प्रभावशाली है। अब सवाल है कि इजराइल के निशाने पर यह हिजबुल्ला क्यों है? इजराइल ने अचानक लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर अभियान क्यों छेड़ा है? इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है इजराइल की नॉर्थ बॉर्डर पॉलिसी। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही इजराइल ने गाजा में हमले करने शुरू कर दिए थे। गाजा इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर लगता है। हमास के खिलाफ इस जंग में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। एक तरफ हमास इजराइल से टक्कर लेने के प्रयास कर रहा है तो दूसरी तरफ से हिजबुल्ला ने भी 8 अक्टूबर से ही इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इसराइल पर हमलों को हिजबुल्ला अपने सहयोगी हमास और गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया हमला बताता है। अब इसराइल हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इसका उत्तर का इलाका लेबनान से लगता है, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन, दक्षिणी पश्चिम में मिस्र और दक्षिण में लाल सागर है। उत्तरी इसराइल के कई इलाकों को लेकर लेबनान के साथ मतभेद है और हिजबुल्ला इन इलाकों पर इसराइल के कब्जे को अवैध बताता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे गाजा के कई हिस्सों पर इसराइल के कब्जे को हमास अवैध बताता है। माना जाता है कि इसराइल ने नॉर्थ क्षेत्र में अवैध इसराइली बस्तियों में लाखों यहूदियों को बसाया है जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते रहते हैं। लेबनान बॉर्डर के करीब होने के कारण बीते एक साल से हिजबुल्ला लगातार इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों को टारगेट भी करता रहा है। इसराइल के कुछ सैनिकों की यहां मौत भी हुई है। हिजबुल्ला के हमलों की वजह से करीब 60,000 यहूदियों को नॉर्दर्न इसराइल छोड़ना भी पड़ा है। यही वजह है कि इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट मीटिंग के दौरान युद्ध के नए लक्ष्यों में इसे शामिल किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि इसराइल ने देश के उत्तरी भाग में रहने वाले निवासियों की सुरक्षित वापसी को अपना आधिकारिक युद्ध लक्ष्य बना लिया है। साथ ही कहा गया है कि इसराइल इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा। अब हिजबुल्ला पर हमला कैसे नॉर्थ बॉर्डर पॉलिसी का हिस्सा है यह भी समझ लेते हैं। लेबनान में अचानक हुए इन धमाकों को इसराइल की इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। हिजबुल्ला के साथ इसराइल की पुरानी अदावत है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इसराइल के लिए नॉर्दर्न हिस्से में यहूदियों की सुरक्षित वापसी साख का सवाल बन गया है। इसराइली सेना के प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने बुधवार को उत्तरी कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसराइली सेना अब भी ऐसी क्षमताओं से लैस है जिसका प्रदर्शन अब तक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब इसराइली सेना युद्ध के किसी चरण को अंजाम दे रही होती है तो अगले 2 चरणों के लिए तैयारी पहले ही पूरी कर ली जाती है। हलेवी ने कहा कि युद्ध के हर चरण में हिजबुल्ला को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ चीफ के इन बयानों से साफ है कि इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार रखा है। एक एक कर जब इन योजनाओं को एक्टिवेट किया जाएगा तो लेबनान से तबाही की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। अब तक जंग के मैदान में इजराइल को बैकफुट पर खेलते हुए नहीं देखा गया है और हिजबुल्ला के कम्युनिकेशन सिस्टम में मची तबाही भी इसी का उदाहरण है। अब सवाल है कि हमास के बाद क्या हिजबुल्ला का हिसाब हो रहा है? करीब एक साल से जारी इस जंग में एक तरफ हमास की कैद में अब तक 97 इजरायली बंधक हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला की दहशत से खाली हुआ उत्तरी इलाका है। और इतना ही नहीं, यमन के हूती विद्रोहियों की मिसाइल जब तेल अवीव तक पहुंच गई है तो इससे इसराइल की ताकत पर सवाल भी उठने लगे हैं। इन तमाम सवालों के बीच इसराइल ने एक बार फिर से आक्रामक अंदाज को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में इसराइल ने लेबनान बॉर्डर पर करीब 20,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। यानी अब वो गाजा की तरह लेबनान में भी सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइल हिजबुल्ला के खिलाफ वैसे ही रणनीति अपना रहा है जैसा कि उसने हमास के खिलाफ अपनाया था। इसराइल ने गाजा में जब जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था तो उससे पहले हमलों के लिए पहले हमास को कमजोर किया, जिससे जमीनी ऑपरेशन करने में कम चुनौतियां सामना करना पड़ा था। ठीक उसी तरह इसराइल अब हिजबुल्ला के खिलाफ भी अभियान चला रहा है। इन धमाकों के जरिए इसराइल ने हिजबुल्ला पर दोहरा प्रहार किया है। पहला कि हिजबुल्ला के संचार तंत्र को तबाह कर दिया है और दूसरा कि हिजबुल्ला के हजारों लड़ाकों के घायल होने से यह संगठन अब कमजोर हो गया है। साफ है कि इसराइल के लिए लेबनान की सीमा में घुसकर अब हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाना आसान हो गया है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।